जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज रनिंग का 21वां दिन है और अब धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है। रनिंग करते करते थोड़ा सा पेट भी हल्का हो गया, बहुत ज़्यादा टाइट रहता था शुरू में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हल्का हो गया, तो फायदा तो हो रहा है रनिंग का। और कल का जो ब्लॉग था बेड़ाघाट टूर का, उसमें संपूर्ण बेड़ाघाट का मैंने, मतलब बेड़ाघाट जाते हैं लोग तो अधिकतर लोग क्या दुबदार घूम के आ जाते हैं, 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही पूरा मतलब बेड़ाघाट टूर बसा है। पंचवटी है, पंचमठा मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, धुआधार है। तो जब भी आप बेड़ाघाट जाएँ तो पूरा ही घूमें, क्या अधिकतर लोग को पता नहीं रहता, इसलिए उन लोग बस धुआधार ही घूम के आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप घर पे मिलते हैं। जय श्री महाकाल। एक बात तो कह नहीं भूल गया कि वो ब्लॉग मैंने डाला आज बेड़ाघाट टूर का पूरा, तो वो ब्लॉग आप देखिएगा, कल ही डाला है मैंने, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ घूमना है बेड़ाघाट में। तो चलिए अब घर पे मिलते हैं। जय श्री राम। और आज शनिवार है तो मंदिर जाएंगे, सेवा देंगे हनुमान जी को, तो फिर शाम को मंदिर में मिलते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो दोस्तों आज फिर से आ गए हैं प्रभु की सेवा करने, तो पूरा मंदिर धोने के पश्चात पूरा साफ सुफ करेंगे अच्छे से। देखिए पूरा ये जो गंदा डाला सब साफ सुफ कर देंगे। अभी परसों से नवरात्रि है तो अभी मंदिर भी पोतेंगे, कल संडे है तो कल सबको बुला लेंगे और अच्छी मंदिर को साफ सुफ करके अच्छा पोत देंगे। गुम्बज उम्बज भी पोतना है मस्त, तो अभी फटाफट साफ सफाई करते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसा मौसम हो गया है, ये देखिए पूरे बदल बदल हो गए हैं, ऐसा लग रहा पानी वानी गिरेगा। जय श्री राम, पूरा शांत होकर हवा भी नहीं चल रही, ये देखिए। और अंदर हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ रहा है। जय श्री राम, जय जय सीताराम, ये देखिए। जय श्री राम। चीटी खा रहा है वो। ये चल तुम्हें अच्छी चच्छा नहीं दी आ रही है।